श्री महामती कहे अपनी रूह को और अरस रुहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन आओ अपने वतन इन विध साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षराति धाम धनी श्री राज जी, सागर ग्रंथ के इस प्रकरण के माध्यम से हम सभी ब्रह्म सृष्टियों को पहले ही चरण में ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें जागना है और कह रहे हैं इन विध साथ जी जागिए। सागर का ये ग्रंथ है। सागर का मतलब अगर यहां लौकिक दृष्टि से देखें तो नदियों का मेल जिस स्थान पर जाकर होता है, जल का जो भंडार है उसे कहते हैं सागर। श्री राज्य के हृदय में, मूल स्वरूप श्री राज्य के हृदय में जितने भी गुण विद्यमान हैं, उन गुणों को दर्शाने के लिए इस संसार में सागर की उपमा दी गई है। क्योंकि अगर संसार में कहा जाए सबसे गहरा क्या है या सबसे विशाल क्या है तो सागर की तुलना की जाती है, सागर की उपमा दी जाती है। वाणी कहती है अर्स का वर्णन किया ले मसाला इतका, यहाँ के सामग्रियों का उदाहरण दे करके इस नश्वर ब्रह्मांड के उदाहरण से परमधाम की सत्यता को जाहिर करने का बताने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरा कोई चारा भी नहीं है क्योंकि उदाहरण उसी चीज का तो नहीं दिया जा सकता। परमधाम कैसा है उसको समझाने के लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि परमधाम परमधाम जैसा ही है। बात सत्य है लेकिन समझाने के लिए कोई उदाहरण चाहिए। वैसे तो बात वैसी ही है जैसे सूर्य के प्रकाश को समझाने के लिए अगर कोई दूसरी उपमा ना मिले तो दीपक का उदाहरण देना कि जिस तरह से दीपक प्रकाशमान है वैसे ही सूर्य भी प्रकाशमान है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश को भी दर्शाने के लिए दूसरा उदाहरण तो हमारे बीच में नहीं है। वैसे ही मूल स्वरूप श्री राज्य के हृदय में जितने भी गुण हैं उन गुणों को सागर का रूप दिया गया है क्योंकि उन गुणों का कोई पारावार नहीं है। चाहे राज्य के स्वरूप का वर्णन करें तब भी कहा जा रहा है सागर की तरह है, चाहे राज्य के आनंद अंग श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करें तब भी उसको भी सागर कहा। उसके बाद ब्रह्म सृष्टियों के विषय में, रूहों की शोभा के विषय में जब वर्णन किया जा रहा तो उसको भी सागर की उपमा दी गई। राज्य के हृदय में जो ज्ञान का भंडार है उसके बारे में भी जब बताया गया तो उसको भी सागर की उपमा दी गई। उनके हृदय में प्रेम का भंडार है, उनके हृदय में आनंद का और मेहर का भंडार है। हर गुण के विषय में जब वर्णन किया गया तो कहा गया कि वह सागर के समान है। तो सागर ग्रंथ में राज्य के प्रत्येक गुण की उपमा सागर से की गई है। इस चौपाई से पहले जिस चौपाई को हमने दोहराया उसमें कह रहे हैं महामती कहे अपनी रूह को। महामती जी स्वयं की आत्मा को संबोधन कर रही हैं और अर्स रुहन और परमधाम की दूसरी ब्रह्म सृष्टियों का अर्थात हम सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं इन सुख सागर में झीलते, उन सुखों के सागर में
राज्य के स्वरूप के सागर में, उनके नूर के सागर में, उनकी शोभा के सागर में, उनकी दिव्यता के सागर में, उनके प्रेम ज्ञान आनंद और मेहर के सागर में डूबते हुए झीलते हुए आओ अपने वतन परम धाम चलने की तरह प्रेरित कर रहे हैं। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस चौपाई में कहते हैं इन विध साथ जी जागिए। कैसे जागना है? ऐसे जैसे पहले बताया, सागर में झीलते हुए, इन सुख सागर में झीलते। कह रहे हैं इन विध साथ जी जागिए, बताएं देऊं रे जीवन। किसके विषय में बता रहे हैं? जीवन के विषय में। जीवन का मतलब क्या होता है? जो हमारे जीने का आधार होता है। ब्रह्म सृष्टि के जीवन का आधार कौन है? कौन? शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। हम अक्षराती धामधनी को प्राणनाथ कहते हैं, प्राणाधार कहते हैं। जब हम चर्चा से पहले कई सुंदर साथ जब प्रार्थना करते हैं वाणी की, तो कहते हैं मेरे जीव के यही जीवन। तो जीवन का आधार जिसके बारे में कह रहे हैं बताए देउरे जीवन। मैं जीवन के विषय में बताने जा रही हूं। शरीर के जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है पहले प्राणवायु, उसके बाद में भोजन, और उसके बाद अनुकूल वातावरण, है ना? प्राणवायु ही मिले, भोजन भी मिले, लेकिन वातावरण अनुकूल ना हो तो भी वह शरीर बीमार पड़ जाएगा और बीमारी की वजह से कमजोर पड़ जाएगा, कुछ समय में मर जाएगा। अगर उस शरीर ने अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल नहीं ढाला तो। और जब आत्मा के जीवन के विषय में बता रहे हैं, वैसे तो आत्मा मरने वाली नहीं है, लेकिन आत्मा का आधार, आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठ करके इस संसार में खेल को देख रही है, वह जीव भी तारतम ज्ञान प्राप्त करके बौद्धिक दृष्टि से भी जब जागृत हो जाता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। और जब उसको लगने लगता है, जब उस जीव को ये लगने लगता है कि मैं मेरे प्राण के आधार के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? विरह की अवस्था। जागने की जब बात करते हैं ना, जागृति की, तो बात कहीं से भी आप उठा लें, चाहे आप सिंगार की वाणी पढ़ रहे हो, चाहे मारिफत की वाणी पढ़ रहे हो, लेकिन जागृत होने का तरीका तो वही है। हम कहते हैं ना, दुख थे विरह उपजे विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। नहचे मिलिए हक की जो स्थिति है वो जागनी है, लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हमें ये लगने लग जाए कि ये मेरे जीव के जीवन है। जैसे मछली का जीवन क्या है? मछली का जीवन, मछली का आधार पानी है। अभी मुझे याद नहीं है कि किसने प्रवचन में, किसने चर्चा में ये उदाहरण दिया था, लेकिन एक बहुत ही सटीक, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया था। मछली का जीवन पानी है, लेकिन मेंढक कहीं भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है और बिना पानी के भी रह लेता है, तो उसको विरह नहीं कहा जा सकता है। मेंढक की जो अवस्था है, हो सकता है कि थोड़ी गर्मी लगने पर उसे पानी में जाने की इच्छा हो, लेकिन वो विरह नहीं है, वो तो उसका स्वार्थ हो गया ना। संसारिक गर्मी से, संसारिक दुखों के ताप से परेशान होकर के कुछ समय के लिए राज्य की याद आना विरह नहीं है, ये मेंढक वाली स्थिति है। हमारी स्थिति तो वैसी है ना, मछली वाली स्थिति नहीं है। संसार में अगर हम परेशान हुए, अगर रिश्तेदारों से परेशान हुए, अगर घर वालों से परेशान हुए, किसी अन्य सगे संबंधियों से परेशान हुए, तब हमें राज्य याद आते हैं, वैसे नहीं आते।
अगर हमारा बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तब हमें राज्य याद आते हैं, वैसे नहीं आते। अगर हम बीमार होकर के बिस्तर में पड़ जाते हैं और दो तीन दिन तक ठीक ढंग से पूछने वाला कोई नहीं आता तब हमें राज्य याद आते हैं, वैसे नहीं आते। तो ये स्थिति है मेंढक वाली, क्योंकि जब ये बाहर की ताप हम सहन नहीं कर रहे थे तब तक हम बाहर भी रह रहे थे, लेकिन जब हमें बाहर थोड़ी गर्मी लगने लग गई तो हम चाहते हैं कि हम पानी में वापस चले जाएं। इधर का मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो उधर जाते हैं, और उधर का मतलब अगर सिद्ध नहीं होता है तो इधर आते हैं। तो ये तो हमारी स्थिति विरह वाली नहीं कहलाई जा सकती। और जब तक हमारी बताए देवरे जीवन वाली स्थिति नहीं आती, जब तक हमारी स्थिति पानी के बिना मछली की वाली नहीं हो जाती तब तक उस स्थिति को विरह भी नहीं कहा जा सकता, और बिना विरह के प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को नहीं पाया जा सकता, और बिना प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचे हम इन विध साथ जी जागिए वाली अवस्था में भी नहीं पहुंच सकते। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये सब एक दूसरे के सहायक हैं। जब हम सागर की बात करते हैं, आठ सागर है ना, आठ सागर में आप किसी भी सागर से प्रसंग उठा लीजिए, किसी भी सागर को देख लीजिए। मान लीजिए अगर पहला सागर राज्य की शोभा का, राज्य के श्रृंगार का है, तो राज्य की श्रृंगार राज्य की शोभा को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक आठवें सागर को ना जान ले। राज्य की मेहर के बिना तो ये संभव नहीं है ना। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ऐसा हम कहते हैं। अगर रूहों की शोभा के विषय में बात करें तब भी वैसी ही है। इश्क के सागर की बात करें तब भी राज्य की मेहर के सागर के बिना इश्क नहीं आ सकता। राज्य की मेहर के बिना, राज्य के स्वरूप को जाने बिना इश्क नहीं आ सकता। स्वरूप को जानने के लिए इलम की आवश्यकता पड़ती है, जो छठा सागर है। तो इसका मतलब क्या है, सभी सागर एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह से चाहे ईमान हो, चाहे इश्क हो, चाहे विरह हो, चाहे इल्म हो, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, इन विधि साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन। हमारा जीवन क्या है, कहने को तो हम कह देते हैं, खाना दीदार इनका यासो, जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, इनसे मिटत प्यास। लेकिन ये स्थिति हमारी अब तक बनी नहीं है। हम कहते हैं खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अरस रूहन, पल पल मासुक देखना, यही आहार आशिकन। और चौपाई कह रही है पल पल मासुक के देखने की, और यहाँ हम 24 घंटे में एक पल की उस स्थिति को भी अपने हृदय में नहीं ला पाते, तो पल पल की तो बात ही छोड़ दें। जब हम आशिक ब्रह्म सृष्टियों की बात करते हैं या विरहीन ब्रह्म सृष्टियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि विरह की अवस्था कैसी होती है। विरह की अवस्था में जैसे इंद्रावती जी ने हबसे में अपनी अवस्था को बनाया था, कहते हैं हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल विरह अग्नि, हड्डियां सूख करके लकड़ी हो गई थी, और सिर नारियल की तरह दिखता था। इंद्रावती जी स्वयं कहती हैं, जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, अपना देने की स्थिति तो बहुत बाद की बात है। अपना देने का मतलब अपना सर्वस्व समर्पण करना। हम समर्पण क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो दान पेटी में जो कुछ भी समर्पित करेंगे वो इसलिए समर्पित करेंगे कि जितना हम समर्पित कर रहे हैं उसका मल्टीपल हो करके, और टू मल्टीपल नहीं, मल्टीपल टाइम मल्टीपल हो करके आए। समझ रहे मैथमेटिक्स, एक गुना होकर के दो गुना होकर के नहीं। अगर हम 100 रुपए का नोट चढ़ा रहे हैं तो काम कितना करवाना चाहते हैं, कम से कम 1 लाख का तो हो, ठीक है। ये मैं तो अपना दे रही वाले स्थिति नहीं है,
अगर हम बाजार से 200 रुपए का 300 रुपए का मिठाई का डिब्बा खरीद के लेके आते हैं, मिठाई के साथ में सिर्फ डिब्बा नहीं, जब लेकर के आते हैं पुजारी जी को देते हैं, तो भले ही पुजारी जी को मुख से ना कहें लेकिन हमारे हृदय की तो यही पुकार होती है कि राज्य इस बार ये वाला काम करा देना, अगर ये वाला काम करा दिया ना तो अभी 300 रुपए के मिठाई का डिब्बा लेकर के आए हैं, लड्डू लेकर के आए हैं, अगली बार इससे महंगे वाले मिठाई लेकर के आएंगे। तो इसको हम मैं तो अपना दे रही नहीं कहते, ये तो हम जितना दे रहे हैं उससे कई गुना हम वापस ले रहे हैं, लेकिन जब हम दें अपने आप को जब हम दें तो उस समय में उससे अन्य किसी भी वस्तु की, किसी भी भौतिक वस्तु की आशा ना रखें, तो वो है ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण, वो है विरहन के लक्षण। इंद्रावती जी ने जब अपना सर्वस्व समर्पण किया तो क्या मांगा? संसार की किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को नहीं मांगा, और मांगने की भी एक अवस्था होती है, इसको ध्यान रखिएगा। जब शुरू शुरू में कोई व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से जागृत होता है तो वो क्या सोचता है? सबकी अवस्थाएं अपनी अपनी अवस्था के हिसाब से तुलना कीजिएगा कि हम कौन सी अवस्था में है। पहली अवस्था में व्यक्ति ये सोचता है कि हम दुनिया के देवी देवताओं को तो हमने छोड़ दिया है, नहीं तो हम देवी देवताओं से मांग लेते, हनुमान जी से मांग लेते, देवी माता से मांग लेते, या फिर किसी और देवता से मांग लेते, गणेश जी से मांग लेते, शनि देव से मांग लेते, लेकिन अब हमने इनको छोड़ दिया तो अब हम किससे मांगेंगे, किससे मांगेंगे? राज्य से। ये अवस्था हो गई पहली। तुलना करते रहिएगा कि हम कौन सी अवस्था में है। और उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है कि हमें राज्य से इन सब वस्तुओं को मांगने की जरूरत नहीं है, यह दूसरी अवस्था। अब इंद्रावती जी जैसे कहती हैं कि प्रेम दर्द में इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर, प्यारी मिलू प्यारे पीयूसो प्यारी महामती कहे बेर बेर। तो ये अवस्था है दूसरी वाली, जिसमें संसारिक भौतिक वस्तुओं को न मांग करके राज्य के प्रेम को, दर्द को, विरह को मांग रहे हैं, आध्यात्मिक वस्तुओं को मांग रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था जिसको हम कहते हैं, सिंधी में पहुंचने के बाद में इंद्रावती जी कहती हैं, इश्क मांगू या गुना सो सब हाथ हुकम, प्रेम भी मांगू तो वह भी गुना है, क्योंकि मांगना तो किसी दूसरे से होता है। सिंधी का जो ज्ञान है वो मारिफत की अवस्था का है, वहां कोई दूसरा है नहीं, तो वहां मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम राज्य से क्या मांगेंगे। और यहां पर भी अगर हम देखें तो राज्य को क्या ये नहीं पता है कि किसको क्या देना है, क्यों देना है, कब देना है, कितना देना है या फिर नहीं देना है, उनको पता है। इसलिए हमें उनसे कुछ न मांग करके सब कुछ समर्पित करने की जो अवस्था है उस पर पहुंच जाना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको पानी के अंदर डुबोया जाए, बाहर आने के लिए तड़पते हैं, श्वास लेने के लिए तड़पते हैं, उस अवस्था में वैसे तो आप बाहर की बातें सुन नहीं सकते, लेकिन अगर आप सुन पाते तो कल्पना कीजिए कि आपको उस समय में, उस अवस्था में कोई सवाल करे कि मैं तुझे बाहर निकलने दूंगा लेकिन इसके बदले में तू क्या दे सकता है, आप क्या कहेंगे? तुझे पानी से बाहर निकालने के एवज में तू मुझे क्या दे सकता है, ऐसा अगर कोई सवाल करे तो आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? 100 रुपए चढ़ाऊंगा दान पेटी में। हाँ, जो चाहिए तू ले ले,
जो नहीं चाहिए वो भी ले ले, लेकिन मुझे बाहर निकाल दे। क्यों? क्योंकि हमारे हमारा प्राण है ना, श्वास प्राणवायु या ऑक्सीजन, वो हमारे जीवन का आधार है। और जीवन के आधार को पाने के लिए, एक बार सांस लेने के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि तू कुछ भी कर, लेकिन मेरी जान बख्श दे। मछली पानी से बाहर निकलने के लिए नहीं तड़पती है। पानी से बाहर निकालने के बाद में अगर वो बोल पाती, तो पानी से बाहर निकालने के बाद में वो हमें क्या कहती कि हमें पानी से पानी के अंदर ले जाने के लिए, हमें वापस पानी में डालने के लिए मैं क्या क्या दे सकती हूँ? जान के अलावा सब कुछ है ना, जो कुछ भी है वो ले ले। अब इस उदाहरण से, वैसे सभी समझदार हैं यहाँ पर, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के स्वामी, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए जिसको कि इनविद साथ जी जागिए कहा जा रहा है, उसमें हमें बस यही तो करना है। हम रोज चर्चा में सुनते हैं, प्रत्येक दिन, चाहे जो भी प्रचारक आते हैं, जो भी महात्मा आते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति के मुख से सुनते हैं कि राज्य तक हमारे द्वारा दी गई भौतिक संपत्ति नहीं पहुंचती। अब ये मत कहना फिर कि फिर सेवा करने की क्या जरूरत है, धन की सेवा की। धन की सेवा राज्य तक नहीं पहुंचाते, धन की सेवा समाज के लिए होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। तो ना आपके द्वारा दिया गया धन राज्य तक पहुंचता है, ना आपके द्वारा लगाया गया भोग राज्य तक पहुंचता है। हमारे हृदय की भावना, हमारे हृदय का प्रेम राज्य तक पहुंचता है। तो इसलिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है। जैसे कि योग दर्शन कहता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। लेकिन उस ईश्वर को योग दर्शन के हिसाब से, उस अक्षरातीत को हम सर्वस्व तब समर्पित कर सकते हैं जब हम ये हृदय से मान लें कि वास्तव में वो हमारे जीवन का आधार है। ऐसे वैसे तो किसी को भी समर्पण नहीं कर सकते। और जो हमारे समर्पण का सबसे अधिक कीमत लगाए वो राजी है ना। इस दुनिया में किसी व्यक्ति को आप खुश करने के लिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए आप अपनी गर्दन भी काट देंगे, आप अपना हृदय भी निकाल करके दे देंगे, तो दुनिया में अगर कोई खोट निकालने वाला होगा तो ये कहेगा कि तुम्हारे दिल में खून इतना कम क्यों है। समझ रहे? और राजी क्या कहते हैं, कुरान का कथन है कि वह एक बंदगी का हजार गुना फल देने वाला है। मोमिनों की एक बंदगी का हजार गुना फल देने वाला है। एक बार याद करने पर 10 बार याद करने वाला है। सिंगार की वाणी क्या कहती है, मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर में जीजी करूं कर कर तुम्हें याद। तो हमें, हम क्या करते हैं, उस पर समर्पण ना करके हम अपना दिल, अपना हृदय और किसी को दे देते हैं। फिर दुख नहीं होगा तो क्या होगा? जब हमने अपना दिल उसको दे दिया तो फिर वो हमें दुखी नहीं कर सकता। दुख हमें उस अवस्था में हो सकता है क्योंकि अब तक हमने नहीं दिया था। होता है ना, जैसे सबको पता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर हम शांति से ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पहली बार अगर किसी को 4 बजे उठा दिया जाए तो परेशानी तो होगी। जब हम पटरी से बाहर, हमें दौड़ने की आदत हो रही थी, अब हमें एक ट्रैक पर और एक गति से दौड़ने के लिए कहा जा रहा है तो परेशानी होगी। अब तक हमें आदत थी मन चाहा करने की, मनमर्जी करने की, लेकिन जब हम राज्य को पाना चाहते हैं तो अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते, मन को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है। और फिर वो मन क्या करता है, वो मन ऐसे
इंडिकेशन दे देता है, ऐसा लगता है कि हमें दुख हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में बीमारी बहुत पुरानी है, उसको अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस ट्रीटमेंट से, जिस औषधि से उसको फायदा होना होता है और उस बीमारी को जड़ से निकालना होता है, तो दवाई शुरू करने के 2-4 दिन तक पहले परेशानी बढ़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको आनंद आने लगता है। वैसे ही अब तक हमने ये सोचा था कि सुख इन इन विषयों से होता है, इन इन चीजों से होता है, और जब हमें थोड़ा सा पता चला कि इनमें सुख नहीं है, इनमें दुख है, और जब हमने अपने विषय को थोड़ा सा बदल दिया तो हमारी इंद्रियां वापस उस सुख में जाने के लिए, जैसे एक एडिक्ट व्यक्ति है, एक नशेड़ी व्यक्ति है, उसको नशा छुड़ा दिया जाए तो क्या होता है, वो व्यक्ति दुखी होता है ना, वो रोता है कि कब वो नशा वापस मिले। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उस नशे से जो अलग हो चुका है, वो व्यक्ति समझ सकता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन इससे निकलने के बाद में जो सुख का अनुभव हो रहा है वो इस व्यक्ति को अभी पता नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। और वही अवस्था अध्यात्म के क्षेत्र में भी विरह के मार्ग को अपनाने पर, प्रेम के मार्ग को अपनाने पर, चितवनी के मार्ग को अपनाने पर होता है। क्योंकि अब तक हम संसार के एडिक्शन में थे, संसार के मोह के माया के नशे में डूबे हुए थे, जब इस नशे से हट करके शाश्वत प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे इंद्रियों को कष्ट हो रहा है, आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा है। कष्ट किसको हो रहा है? स्वाद से दूर किया जा रहा है तो जिह्वा को तकलीफ हो रही है, निद्रा से, कोमल बिस्तरों से दूर किया जा रहा है तो त्वचा को तकलीफ हो रही है, ठीक है, संसार की निंदाओं से अलग किया जा रहा है तो हमारे कान को तकलीफ हो रही, क्योंकि उसको सबसे प्रिय रस है निंदा रस, और निंदा करने नहीं दिया जा रहा है तो जिह्वा को तकलीफ हो रही है। और फिर जब एक को तकलीफ होती है, एक नशेड़ी को नशे के से हटाया जाता है, तो दूसरा नशेड़ी जो हटा नहीं होता वो वापस खींचने की कोशिश करता है कि अरे तू कहाँ जा रहा है, किनकी बातों में लग रहा है। तो एक इंद्रिय का रस जब नहीं मिलता ना, तो दूसरी इंद्रियां थोड़ा और दुख दिखाने की कोशिश करती कि अगर तू उधर गया। होता क्या है, मैं एडिक्शन का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि सबसे सटीक मुझे यही लग रहा है, अगर किसी व्यक्ति को नशे से हटाया जाता है तो शुरू शुरू में वो ज्यादा बीमार पड़ जाता है, उसको उल्टियां आने लग जाती है, उसको बुखार जैसा होने लगता है, उसको सिरदर्द लगता है, उसको कमजोरी का अनुभव होता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने नशा छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। वो मरेगा नहीं, 2-4 दिन तक तकलीफ होगी, लेकिन बाद में वो सही रास्ते पर आ जाएगा और पूर्णकालिक स्वस्थ हो जाएगा। वैसी ही ब्रह्म सृष्टियां भी अगर इस मायावी नशे को छोड़ करके राज्य की तरफ लगने लग जाती है, तो शुरू में कुछ दिनों तक तकलीफ होना स्वाभाविक है, और उस तकलीफ को, उस परेशानी को झेल करके अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो फिर वो सारी परेशानियां पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि फिर उस अवस्था में हमें वह सुख का रस मिलना शुरू हो जाएगा, जिनको इंद्रावती जी ने पहले चौपाई में कहा, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। और जब सुख के सागर की कुछ बूंदे हमें मिलने लग जाएगी तो क्या होगा, जैसे सूरज की दृष्टि में रात्रि नहीं रह सकती, वैसे ही परम धाम के सुख के सम्मुख माया का दुख नहीं रह सकता। हम कहते हैं ना, तुम आए सब आईया और दुख गया सब दूर। जब सुखों के सागर हृदय में विराजमान हो गए तो दुख नहीं हो सकता, जब मेहर के सागर हृदय में विराजमान हो गए तो दुख नहीं हो सकता, जब प्रेम के सागर हृदय में विराजमान है तो दुख नहीं हो सकता। इसलिए माया के नशे से हट करके खींचने की कोशिश करेगी। जैसे होता क्या है, चुंबक है, दो चुंबक है, ठीक है, दो चुंबक के बिल्कुल बीच में एक लोहे को रखा जाता है, तो वो लोहा किस तरफ जाएगा उसको भी पता नहीं है, वो असमंजस की अवस्था में है। एक चुंबक माया है, एक चुंबक ब्रह्म है। अब उस चुंबक ने
एक मिलीमीटर तो समझते ना, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर भी अगर राज्य की तरफ अपने आप को बढ़ाया तो अब वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा, किसके चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, राज्य के। ठीक है, तो राज्य अपने आप उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। जब राज्य कहते हैं ना एक बार याद करो मुझे, मैं जीजू करूं देश भर, तो 1 मिलीमीटर अगर हम जाएंगे तो 10 अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंद्रावती जी इस प्रकरण के माध्यम से कह रहे हैं कि मैंने आपको हमारे, क्योंकि महामती कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन है। ठीक है, मैंने मेरी आत्मा को और आप सबको अपनी आत्मा के जीवन के विषय में बता दिया है, जो श्याम श्याम जी साथ जी के साथ में, ब्रह्म सृष्टियों के साथ में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। अब हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में बैठे बैठे सागर ग्रंथ को अपने हृदय में बसा करके, और ग्रंथ का मतलब चौपाइयों को याद करना नहीं है, सागर ग्रंथ को हृदय में बसाने का मतलब आठों सागरों के हृदय को, आठों सागरों के सुख को अपने हृदय में बसाना, और उन सुखों को अपने हृदय में बसाते हुए, उन सुख सागरों में झीलते हुए हमें परम धाम की तरफ चलना है। ये सागर के इस प्रकरण के माध्यम से, इस प्रकरण की चौपाई के माध्यम से इंद्रावती जी हम सबको प्रेरित कर रही हैं। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। इन विध साथ जी जागिए, बताए देउरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, जित बैठे चौक वतन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।